रनिंग शू की बात कर रहे हो और उसमें A6 का नाम नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज का वीडियो एक बहुत ही तगड़े स्ट्रक्चर्ड रनिंग शू के ऊपर रहेगा, विच इज डिजाइन बाय A6 एंड इसका मॉडल नेम है A6 Jolt 2। तो चलिए देखते हैं क्या ये शू परफेक्ट रहेंगे आपकी डेली रनिंग रूटीन के लिए, एंड साथ ही बात करेंगे शू के बारे में डिटेल में। पर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन दबा लेना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस आउट ना कर दें। एंड चलिए एक नज़र डाल लेते हैं शू के बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में एक A6 का लोगो देखने को मिल जाता है। बॉक्स को अगर मैं टर्न करता हूँ तो इस तरफ प्राइसिंग एंड मॉडल नेम दिया गया, जिसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे वीडियो के एंड में। साइड में यहाँ पे साइज भी दिया गया। एंड चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं A6 Jolt 2, एंड इनका एक क्विक लुक मैं आप लोग को दे देता हूँ। यहाँ पर मुझे 2-3 टैग्स भी प्रोवाइड कर रखे, जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ डिटेल दी गई है। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं शू के बिल्ट इन डिज़ाइन के बारे में। कलर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर का एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें से लोगोस वगैरह पे यहाँ पे मेनली व्हाइट कलर का यूज़ करा गया। अब बात करते हैं शू के स्पेसिफिक आउटर डिज़ाइन के बारे में। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे फ्रंट में एक A6 का लोगो देखने को मिलता है, जो कि हर किसी शू में यहाँ पे सेम डिज़ाइन का बना रहता है। बचे हुए पोर्शन में यहाँ पे लाइनिंग पैटर्न को फॉलो कर रखा है, एंड इवन जो मेन लोगो है उस पर भी मैं सेम डिज़ाइन फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। अब बात करते हैं इनर लेयर के बारे में। तो यहाँ पर आपको सब जगह पर मेश प्रोवाइड कर रखा है, एंड आपको होल्स पैटर्न देखने को मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ब्रीदिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, एंड आप लोगों को स्वेटिंग को लेकर कोई भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। अपर लेयर की बात करें तो वो यहाँ पे सिंथेटिक की बनाई गई है, एंड इन दोनों की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। वहीं अगर मैं शू को टर्न करूँ तो इस तरफ भी सेम बेल्ट एंड डिज़ाइन फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। अब बात करते हैं शू के स्पेसिफिक बैक की। तो बैक में यहाँ पे एस सच कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर भी सेम पैच को अटैच कर रखा है, एंड इनर भी मुझे सेम देखने को मिलता है। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बैक सोल के बारे में, तो यहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंट लाइनिंग पैटर्न देखने को मिलेंगे पीछे के साइड, एंड साइड में एक A6 का लोगो भी यूज़ करा गया। वहीं दूसरी ओर फ्रंट में यहाँ पे मेनली ब्लॉक पैटर्न को फॉलो कर रखा है अप टू डाउन वेरिएशन में। ये आपकी ग्रिपिंग को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, एंड जब भी आप रन करेंगे उस टाइम पर ये आपको एकदम परफेक्ट पिकअप देगा। बिल्ड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जितना भी सोल मटेरियल दिख रहा है ये रबर का बनाया गया है, जिसकी क्वालिटी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। बचे पोर्शन में आपको थोड़ा सा सॉफ्ट रबर देखने को मिलता है, एंड एक बार मैं आप लोगों को इस पर टैप करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं कहीं पर भी टैप कर रहा हूँ सोल एरिया में तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इवन अगर मैं फ्रंट एंड बैक को कंपेयर कर रहा हूँ तो वो मुझे इक्वली हार्ड लग रहा है। नेक्स्ट वही अगर मैं बात करता हूँ इसके साइड सोल के बारे में, तो यहाँ पर भी कुछ ब्लॉक पैटर्न्स को फॉलो करा गया कर्व डिज़ाइन में, एंड ये मेनली एक्सटर्नल विंड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिसके कारण आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। मटेरियल की बात करें तो वो भी यहाँ पर सेम प्रोवाइड कर रखा है, जो कि रबर है। मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पर साइड सोल प्रेस करके दिखा देता हूँ। तो साइड सोल यहाँ पे प्रेस करने पर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील कर रहा है, एंड यहाँ पर सोल को आउटर से स्टिच कर रखा है ताकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे। सोल हाइट की बात करें तो वो यहाँ पे कुछ 1.4 इंच दे रखी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लेसेस के बारे में, तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर राउंड लेसेस का यूज़ करा गया, जैसा कि एक एथलीट को लगता है। इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रखी है, एंड पीछे की ओर आपको एक और A6 का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसीलिए बात कर लेते हैं शू के इनर सोल के बारे में। तो यहाँ पर आपको A6 का ओरिजिनल इनर सोल देखने को मिलता है, जिसको मैं एक बार आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेन सोल में सिर्फ रबर का यूज़ कराया गया, जिसकी क्वालिटी हम अच्छी कंसिडर कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता था अगर यहाँ पे थोड़ी फॉर्मिंग भी करी गई होती। तो यहाँ पर आपको फॉर्मिंग सिर्फ आइट साइड वाली लेयर में देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपका कम्फर्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा एंड एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा। अंदर की ओर मुझे सर्फेस प्लेन करने के लिए एक सिंथेटिक की लेयर भी देखने को मिलती है, जिसको मैं एक बार आप लोगों को टैप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सरफेस काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्रोवाइड कर रखी है, एंड मुझे कुछ इस तरफ डिफरेंट कंट्री के साइजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि परचेस के टाइम हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शू के वेट के बारे में, तो यहाँ पर एक शू का वेट आया कुछ 265 ग्राम्स, दूसरे वाले शू का वेट भी अराउंड सेम ही था, एंड ये दोनों ही शू 500 ग्राम्स की कैटेगरी में लाया करता है, जो कि एक एथलीट के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहता है। एंड लाइट वेट होने के कारण आपको यहाँ पर रनिंग वगैरह में भी काफ़ी एडवांटेज मिलेंगे, एंड इवन अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करें तो उसके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं शू के फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो एक बार मैं आप लोगों को ये शू फ्लेक्स करके दिखा देता हूँ सभी एंगल से। तो
तो यहाँ पर अगर मैं शू को कहीं पर भी फ्लेक्स करूँ या फिर पूरा भी बेंड करूँ तो मुझे कुछ कुछ जगह पर स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि दोनों ही तरफ मुझे साइड सोल में माइनर शू स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि इन फ्यूचर थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आउटर की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रेच मार्क्स विजिबल हो रहे हैं, बट ये टेम्प्रेरी रहेंगे मैश होने के कारण। तो गाइस फाइनली बात कर लेते हैं शू के वॉकिंग एंड रनिंग टेस्ट के बारे में। वॉकिंग की बात करें तो यहाँ पर मुझे कोई भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े थे वॉकिंग के टाइम। एडिशनली कंफर्ट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कुशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करा गया, जिसके कारण आपका जो अपर लेयर है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंफर्ट फील होगा वॉकिंग के टाइम, एंड इसी वजह से मुझे वॉकिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन लगा। नेक्स्ट वही अगर मैं बात करता हूँ इशू के रनिंग टेस्ट की, तो इशू को मैंने दोनों ही सरफेस पर टेस्ट करके देखा एंड सरप्राइजिंगली दोनों में ही मुझे सेम रिजल्ट देखने को मिला। ग्रिपिंग मुझे पर्सनली इशू की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। नेक्स्ट वही अगर मैं बात करता हूँ फिटिंग के बारे में, तो ये शू एग्जैक्टली फिट था मेरे साइज से, मुझे यहाँ पे कोई भी इशूज एंड प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े। जंप टेस्ट की बात करें तो एक बार मैं आप लोगों को इशू में जंप करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हल्के फुल्के स्ट्रेच मार्क्स बन रहे हैं, बट मेनली इशू काफ़ी स्टेबल है। तो गाइस एट दी एंड हम बात कर लेते हैं इशू के प्राइसिंग एंड वर्डिक्ट के बारे में। ये इशू पड़ा था मुझे एक्जैक्टली 2000 रुपीज़ का, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ वर्डिक्ट के बारे में, तो ये इशू मुझे एट फर्स्ट लगा था कि थोड़े बहुत कम्फर्ट को लेकर इशूज़ बनाएगा, बट यहाँ पर कुशन टेक्नोलॉजी एकदम प्रॉपरली वर्क करते हैं, जिसके कारण मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। एंड दूसरी ओर जब भी आप कोई भी नया शू परचेस करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है उनका लुक एंड डिज़ाइन। यहाँ पर मुझे डिज़ाइन वाइज शू काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड नो डाउट ये शू काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, इसीलिए आप लोग इस शू का ऐसा कैजुअल पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं। रनिंग के लिए तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता ही हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी के थॉट इस शू से रिलेटेड। मिलते हैं आप सभी से अगली अनबॉक्सिंग में।